मेरा टर्मिनल टू मुंबई से, जो मैं वैकेशन के लिए जा रहा हूँ थाईलैंड के लिए, इसका एकदम फ्रेश वीडियो मैं देने की कोशिश करूँगा आपको। जो भी ये ग्रुप ट्रिप है एक्चुअली में, तो मैं और मेरा फ्रेंड जा रहे हैं, ठीक है। उसका जो एक्सपीरियंस रहेगा मैं आपसे शेयर करूँगा, यहाँ से लेके होटल तक का जो भी ये हो जाएगा, जितना भी फिल्मिंग जिसमें इंफॉर्मेशन होगा कि आपको बोर्डिंग कैसे करनी है या इमिग्रेशन कैसे करना है, इमिग्रेशन में क्या अड़चन आएंगे। एक्चुअल में हम घर से निकले थे सुबह को 12 या 1 बजे, उसके बाद हम डाउन रेलवे स्टेशन को आए और वहाँ से हमारी बुकिंग थी स्लीपर क्लास की, जो कि मुंबई एक्सप्रेस में हमारा स्लीपर सीट था। वहाँ से हम दादर के लिए आ गए और दादर में थोड़ा सा खाना पीना खा के हम एयरपोर्ट निकल आए। तो हम अभी एयरपोर्ट पे हैं, अभी क्यूएस स्टार्ट नहीं हुई है और टाइम हो रहा है 12:09, और इस पे हम निकलने वाले हैं। वेब चेकिंग का टाइम शायद 180 मिनट रहता है, जो भी फ्लाइट के प्रीवियस होता है, जो 3 घंटे के बीच में आपको इमिग्रेशन कंप्लीट करके जाना होता है फ्लाइट में। तो हम देखेंगे कि वेब चेकिंग होता कैसे है, या हम शायद स्पाइस जेट की, जो हमारी ये G81 फ्लाइट है, स्पाइस जेट का जो हमने SG81 लिया था, तो SG81 में अड़चन ये हुई कि उसका वेब चेकिंग नहीं होता है, तो इसलिए खिड़की खुलने तक हमको खड़ा रहना पड़ा। दो चार बार उन्होंने इधर उधर किया कि इस खिड़की पे जाओ उस खिड़की पे जाओ। एक्चुअल में 3 घंटा, जो डिपार्चर से पहले 3 घंटा वो खुलता है उनका गेट, लेकिन उन्होंने शायद 20-25 मिनट ये लगाए, ज़रा सा लेट किया उसने। तो स्पाइस जेट का इतना अच्छा नहीं है, जो भी अगर कोई लेट आता है या वेब चेकिंग करना पड़ता है उनका। सिर्फ इंटरनेशनल का जो ऑटोमेटेड मशीन से होता है, ऑटोमेटेड मशीन से उनका बोर्डिंग पास नहीं निकलता है। तो हमने अभी बोर्डिंग पास लिए हैं स्पाइस जेट से, और हम इधर आके थोड़ा सा भाग दौड़ी जितना पड़ा, मैंने एक वाइन बॉटल न मिलने के कारण मैंने एक ग्लास खरीदा है 600, 20 रुपये का मेरे को आया, 330 मिली का ग्लास एक वाइन का 620 रुपये में मेरे को पड़ा। और आगे के जो भी रिपोर्ट रहेंगे मैं आपको बीच बीच में देता रहूँगा, क्योंकि अगर कोई नया आता है जाने के लिए तो उसको एकदम एकदम इजी पे होना चाहिए उसका ट्रिप, इसलिए वो इमिग्रेशन के बाद जितने भी दुकानें हैं वहाँ पे घूम सकता है, या हजारों दुकानों का ताता पड़ा है।
वो स्पाइस जेट का जो लेग स्पेस था एकदम बेहतरीन था, और स्पाइस जेट का जो मसाला टी 100 रुपीज में जो उन्होंने दिया था वो भी एकदम बेहतरीन था। अभी हम इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं तो शूट नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि इमिग्रेशन में वो अलाउड नहीं होता है। जब भी हम फ्लाइट से निकले थे तो फ्लाइट के बाद कुछ इमिग्रेशन ऑफिसर ग्रुप को चेक कर रहे थे, शायद उनको जो भी डाउटफुल लगता है यानी कि थोड़ा बहुत वो सस्पिशियस अगर होगा तो उसके सारे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट सारे देखते हैं, और कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो वो पूछताछ करते हैं। क्योंकि हमारे साथ जो ग्रुप आया था उनमें से 2-3 आदमियों को उन्होंने साइड में कर दिया है, और उनके सारे डॉक्यूमेंट खुलवा के उनके पास उतना करेंसी है क्या ये पहले देखते हैं। क्योंकि अभी तो वीज़ा फ्री चल रहा है, तो वीज़ा फ्री होने की वजह से लोगों का 4500 रुपये इंडियन करेंसी में और यहाँ का 2000 बात करके वो बचता है, लेकिन आपके पास वो होना ज़रूरी है। अगर आपके पास उतना कैश नहीं रहेगा या फुलफिल नहीं कर पाएंगे उनकी जो भी टर्म एंड कंडीशन है तो आपको डिनाइड भी किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखिए कि इमिग्रेशन से पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट और जो उनकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो होनी चाहिए। जब भी वीज़ा फ्री नहीं होता है तब चाहे वो उतना नहीं देखते हैं, जब जितना मेरे को लगा कि अभी वीज़ा फ्री होने के कारण वो देख रहे हैं। और उसके बाद के अपडेट हम अभी इमिग्रेशन के बाद ही दे पाएंगे, क्योंकि इमिग्रेशन में ये सारा मामला अलाउड नहीं होता है। अराइवल्स इमिग्रेशन पे जा रहे हैं, बैक क्लेम एंड इमिग्रेशन। आप इमिग्रेशन से बाहर आने वाला साइट है, और हमें अभी इमिग्रेशन से थोड़ा निगेटिव खबर हुई है। एक्चुअल में जो गिमिक है उनका, जो फ्री वीज़ा करके उन्होंने रखा है, वहाँ लोगों को ज़्यादा तरफाया जाता है। जैसे मैं जब आया था इंडिया से तो मैं घर से ही 2 फॉर्म जो प्रिंट आउट निकाल के आया था, और उसमें मैंने मेरे खुद के फोटो जो लगाए थे, जो उनका जो आप देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे पता नहीं,
लेकिन जिस फोटो में बॉर्डर नहीं होता और वाइट बैकग्राउंड होता है, ऐसा फोटो मैंने लगाया था। और ये मैं मेरा फोटो दिखा रहा हूँ आपको, ये आप शायद देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे पता नहीं, लेकिन ये वाला वाइट बॉर्डर का 80% फेस रीडिंग फोटो मैंने उस फॉर्म पे लगाया था, तो उन्होंने वो डिनाइड कर दिया। डिनाइड करने के बाद मैंने पूछा तो वो बोले कि नया फोटो डालना पड़ेगा। तो मेरा फ्रेंड का जो फोटो था वो थोड़ा अलग टाइप का था, इसलिए शायद मेरे को लगता है कि मेरा भी उन्होंने डिनाइड कर दिया, क्योंकि एक ही फॉर्म में हम दोनों के फोटो थे। और मेरे को लगता है कि जो फ्री वीज़ा का गिमिक है वो यहाँ आने के बाद लूटते हैं थोड़ा सा लोगों को, ऐसा मेरे को लगने लगा है। क्योंकि मेरा फ्रेंड जब फोटो निकालने गया तो 200 बात का जो दो चार कॉपी कॉपियाँ मिलती है वहाँ, तो दो चार कॉपी वहाँ दे रहे, लेकिन जो हम वहाँ से USD लाए थे USD कन्वर्जन में कुछ तो 3.25 का रेट दे रहे, यानी कि 2.34 रेट चल रहा है आज का। आज डेट है 23 सितंबर 19। आज की डेट में जो ताई बात कर रेट चल रहा है वो रेट चल रहा है 2.34, और एयरपोर्ट पे वो सीधा 3.25 कर रहे, क्योंकि वो जो फोटो देने वाला जो है वो फोटो देने वाले को ताई बात ही चाहिए, वो USD लेता नहीं है। तो मेरी फ्रेंड से भी सुनिए जिसने जो फोटो निकाला था, तो मैंने क्या किया कि मेरा फोटो इंटरचेंज न करते हुए उनको ही थोड़ा इंडियन टाइप से चूना लगाया, कि मैंने मेरा फोटो न चेंज करते हुए बताया कि मैंने पहले ये फोटो लगाया था और उसके बाद मैंने अभी ये फोटो निकाला जो पहले ही उन्होंने डिनाइड कर दिया था। तो मेरा फोटो जो पहले फॉर्म पे लगाया था वही मैंने रखा, यानी कि मैंने मेरा फोटो चेंज न करते हुए भी उनको जो नया बता के चल गया, यानी कि फालतू में वो लोग उनकी दुकानें चलाने के लिए शायद फ़ोटो चेंज करने को कहेंगे, फ़ोटो वाला बोलेगा कि मेरे को बात ही चाहिए थाई बात ही चाहिए, तो ऐसा गिमिक से अच्छा। तो उन्होंने एक लाइन भी बनाया है, जैसे एक्सप्रेस वीज़ा पर आपको लेना है तो 200 बात उनको चाहिए होते हैं, तो 200 बात का भी लाइन पे आप अगर गए तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि सारे फ़ोटो चल जाएंगे। यानी कि वो जो वीज़ा फ्री का नाम दे रखा है इसके पीछे बहुत षड्यंत्र है उन लोगों का, कि वो फ़ोटो के लिए 200 लेंगे और एक्सचेंज के लिए 3.25 का रेट लेंगे। यानी कि यहाँ आने के बाद जैसे फ्री वीज़ा का जो गिमिक उन्होंने बताया वो पूरा गिमिक ही रह जाएगा, यहाँ आने के बाद 1000-2000 बात तो आपके ऐसे ही फालतू में ख़राब हो जाएंगे। तो मेरे साथ जितने भी इंडियन लोग थे तो इंडियन लोगों में से कम 8 लोगों में से 6 लोगों का उनका स्क्रूटिंग था, जो मैंने फ़ोटो का जैसे मैंने पहले जो चिपकाया हुआ मेरा फ़ोटो था, मेरे को पता था ये फ़ोटो चलने वाला, जो उन्होंने डिनाइड कर दिया था। मेरे फ्रेंड से सुनिए कि मेरा पहला ही फ़ोटो जब मैं सेकंड अटेम्प्ट में गया तो चला क्या नहीं चला और उसके साथ क्या हुआ। एक्चुअल में वो हिंदी उतनी क्लियर नहीं बोल पाएगा, हाँ फोटो हिंदी में, पहले इनके पास ये फोटो था जो फॉर्म पे उन्होंने लगाया था, फिर ये फोटो हमने निकाले निकालने के लिए, और निकालने का ये कितना चार्ज लिया उन्होंने, 200 बात में ये फोटो दिए गए हैं। और वो 200 बात देने के टाइम में आपको जो 20 USD का आपने नोट दिया, तो 20 USD में एक्सचेंज मनी कितना दिया, 20 बात में आपको कितना मिला, 500 बात मिला, यानी कि सीधा 2.34 की जगह 3 या 3.25 का रेट लगा, यानी कि ये सारी लूटने की कोशिश चल रही है। अभी ऐसा है कि ये वीडियो जारी होने तक जितने भी अपने भाई आ रहे वहाँ से, तो थोड़ा सा प्रिपेयर होकर आ जाइए, क्योंकि
यहाँ आने के बाद आपको फोटो में दिक्कत आ जाएगा, फिर आप जेरोक्स कॉपी निकालेंगे या फॉर्म निकालेंगे, सीधा फॉर्म के साथ पहुँचिए वाइट बैकग्राउंड फोटो के साथ, और आपके एक्सप्रेस वीज़ा लाइन में जाइए, 200 बात देखिए। अगर 200 बात बचाने के चक्कर में आप अगर उलझ गए तो आपको कम से कम 800-1000 बात का ये लगने वाला है चूना, यहाँ के जो भी गिमी गए 4000 रुपये वो बचाने के चक्कर में कम से कम 1500-2000 रुपये लोगों के जा रहे यहाँ आके, तो थोड़ा सा सावधान रहिए। ये था मेरा इमिग्रेशन कंप्लीट होने के बाद का इंफॉर्मेटिव वीडियो, और ये आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। मैं आपको इसी अलग अलग टॉपिक पे मिलता रहूँगा।